भाई साहब, बिग बॉस 17, नो टास्क। टास्क इस बार अलग ही होगा। जी हाँ, उसे जानने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमें लंबी दूर तक ये जर्नी सफ़र करनी है। ये जो मेरी यूट्यूब चैनल है, तो टास्क नहीं हो रहे दोस्तों, सभी बैठे हैं। टास्क क्यों नहीं हो रहे, टास्क क्यों नहीं हो रहे, टास्क हो रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, इस बार का टास्क अलग होगा, इस बार सफरिंग होगा दोस्तों। कंटेस्टेंट्स का कैसे होगा? खाना खाना कम कर दिया जाएगा, बहुत पहला इन लोगों ने पहले पहले आके। तो टास्क का तो नाम भी नहीं ले रहे कोई बिग बॉस, लेकिन देखिए टास्क करवा के फ़ायदा क्या है इनको, है ना? ये लोग टास्क में भी झगड़ेंगे, टास्क नहीं करेंगे, फिर जो पूरा मेहनत बर्बाद होगा उनका, आर्ट डायरेक्टर का जो क्रिएटिव डायरेक्शन है उनका। तो जो भी हो, टास्क के नाम पर अलग ही टॉर्चर हो रहा है मेंटली इनके ऊपर। तो बीवी, लेकिन नाम पर टास्क, लेकिन टास्क के नाम पर जो भी हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है अब दोस्तों, क्योंकि भूखा मार रहा है अब ये लोग, भूखा मारेंगे दोस्तों। जी हाँ, तो कल का दिन जो लाइव फीड में दिखा रहा था, बहुत भारी था उनके लिए, क्योंकि नया रूल आया था वो खाना बनाने का, है ना? 45 मिनट से फिर 16 मिनट हो गया वो, है ना? इसके बाद सज़ा भी दी थी इनको भूखा रहने का, भूखा फिर रहे ये लोग। दिल वाले, अलग अलग खाना बनेगा ये था, है ना? लिमिटेड टाइम पीरियड में। जिगना रिंकू के होश उड़ गए, किचन वालों जो खाना बनाते हैं उनका होश उड़ जाता है, क्योंकि वो लोग टाइम लेते हैं ना खाना बनाने में। होश उड़ गए उनके, सब फंस गए। सबसे ज़्यादा फंसे बुरे दिल वाले, इनको खाना ही नहीं बनाना आता दोस्तों। ये लोग क्या क्या बना रहे हैं, है ना? खाना खाना बनाना नहीं आता इनको, ये भिंडी बना रहे हैं। इतने कम टाइम में भिंडी कौन बनाता है यार? भिंडी रोटी बना रहे हैं। जल्दी से आलू उबालो, चावल उबालो, अंडे उंडे उबाल के खा लो यार, घी के साथ मस्त। और क्या चाहिए इनको बस, है ना? ये लोग 56 भोग शाही पकवान बना रहे हैं ना, तो फिर टाइम है ही नहीं। तो इन लोगों ने गलती किया था कि 45 मिनट के पहले इन लोगों ने सब्जी सुब्जी काटना शुरू कर दिया था, जिससे बिग बॉस ने सज़ा दी इनको। उनको 45 मिनट के अंदर ही वो सब करना था। तो ये है पहली, है ना? तो हो गया घटाकर 16 मिनट फिर, है ना? अब दोस्तों नॉमिनेशन पे आते हैं। सना रईस खान ओपन एंड शट केस, जी हाँ, उनका टाइम नंबर आ गया जाने का, अब वोटिंग में बहुत पीछे है वो। और अब जो बात चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, गेम गेम क्या चल रहा है, गेम की बात करते हैं थोड़ा। मुनावर और विकी सामने से अलग है, पीछे अलग है वो। जैसे मुनावर कल बोल रहे थे, अच्छा विकी भैया आप घर बनाना चाहते हैं, लेकिन ईंट तो आपको मुझसे ही लेना पड़ेगा, जो मैं आपको नहीं दूंगा ईंट, है ना? तो ये है। तो मनारा जो है दोस्तों, अभी वो यूज़ करेगी मुनावर को गेम पे आगे रहने के लिए। आज मैं लाइव फीड में देख रहा था, खानजादी बोली मनारा थोड़ी बदल चुकी है वो, जब से नॉमिनेशन हुआ था उसका पहली बार, वो थोड़ा बदल चुकी है वो। अभी थोड़ा अलग तरीके से गेम खेल रही है वो, मुनावर के साथ पीछे पीछे रहती है वो, है ना? प्यार व्यार कुछ नहीं है बिग बॉस के घर में, कुछ प्यार व्यार नहीं होता, वो सब वो दिखावा होता है। घर के बाहर वो लोग मिलते भी नहीं है, फुटेज के लिए वो सब करते वो लोग, है ना? अभी अभिषेक और मुनावर ये दोनों भी लड़ाई आमने सामने आएंगे किसी ना किसी दिन, है ना? फिर ईशा तो चालाक है दोस्तों, बहुत चालाक लड़की है दोस्तों, 19 साल की है, लेकिन दोस्तों ये 30 साल 40 साल के लड़कों को बेच खाएगी, इतना चालाक लड़की है ये। तो अभी अभिषेक चाहता है ईशा उसके साथ 4 महीने के लिए बिग बॉस के घर के अंदर ओपन रिलेशनशिप में आ जाए, है ना? ये बात है। अब दोस्तों यहाँ पर बात चल रहा है विकी जैन, अभी ये अभी और एक वो में दिख रहा था वो, हमारे नील बटा सन्नाटा, नीला आसमां खो गया, अभी बात कर रहा है वो अपनी बीवी के साथ। हमें इंडिविजुअल गेम खेलना चाहिए था, ऐश्वर्या बोलिए, हम एक साथ आए ये हो रहा है। अरे भैया अब क्या, क्यों ना वो नाटक कर रही है, खेलने के टाइम तो कुछ खेला नहीं आप तुमने, है ना? इन लोगों को नॉमिनेट कर दिया, अच्छा हुआ, कुछ करते ही नहीं ये लोग, अलग अलग नहीं खेल रहे लोग, है ना? इनका कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। विकी जैन तो भैया बढ़िया खेल रहे, मुझे तो पसंद है, ऐसे करके खेलेगा ना वो आगे चला जाएगा, सबके हर सबके मन की बात वो जान रहा है। अब यहाँ पर अभी झगड़ा हुआ है सोनिया और सना का, क्योंकि दोनों नॉमिनेटेड है ना, दोनों में से कोई एक जाएगा, तो दोनों में से कोई एक जाएगा, तो दोनों नॉमिनेटेड है अभी, तो इसलिए उनका झगड़ा हुआ नावेद को लेके। नावेद ने सोनिया को कुछ बोला, फ्लर्टवर्ट किया, तो सोनिया थोड़ी ने कुछ बोला होगा नावेद को ऐसा कुछ, तो सना ने उसको थोड़ा घुमा फिरा के बोला नावेद को कि सोनिया ने तुम्हें ऐसा बोला थोड़ा, है ना? उसको तो हिंदी नहीं आता, तो सोनिया ने बोला कि सोनिया ने तुम्हें ऐसे टॉन मारा, तो नावेद को हो गया गुस्सा, फिर इसी बात को लेके उनका झगड़ा हुआ कुछ। तो नावेद तो भैया हमारे
यार नावेद को क्यों रखा है इन लोगों ने? नावेद क्या कर रहा है? ना वो अब्दू जैसा है, ना वो जैद हदीद जैसा है ना, ना वो कुछ किया, वो कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्या उनको रखा, रख के क्या करेगा उसको? वो ग्रो रहा है, उसको नॉमिनेट करने से वो रोता है सिंपथी, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाह रहा है ये। नावेद को क्या करने रखा है ये लोगों ने, है ना। सोनिया सना तो कम से कम वो लोग है ना एक्टिव, इनको क्या करने के लिए रखा है मुझे समझ में नहीं आया। नावेद से क्या है इनका लेकिन? लेकिन विकी भैया जो है, विकी भैया बुरा फंसेंगे अगर मुनावर को पता चल गया ना, या फिर अभिषेक को अगर पता चल गया कि विकी भैया इसलिए उसे नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि विकी भैया अभिषेक को अपना एक पपेट समझते है ना, जो काम जब आएगा तो सपोर्ट करेगा उसका और विकी का। तो अगर ये बात गेम पता चलेगी ना अभिषेक को, तो अभिषेक फट जाएगा वो बंदा, क्योंकि वो सिर्फ ये अभी तक पता नहीं है ना उसको, वो सिर्फ चिल्लाता रहता है, ये करता रहता है, मतलब कुछ समझ में इसका इस मतलब इसको गेम समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। और एक है नील, बीवी के पीछे छिपता ही है हमेशा, इसको कुछ नहीं आता। जैसे आज तो राशन वाला होगा, राशन का बंटवारा होगा, आज तो रात को राशन वाला एपिसोड दिखाया जाएगा, फिर कल से थर्सडे से तो लाइव बंद कर दिया जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों इतना ही था यहाँ पर। अभी हिना खान अंकिता लोखंडे को सपोर्ट कर रही है बाहर से, है ना। थैंक यू दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दिया। चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे आप लोग, क्या यार।